अगेन हम टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट को देखेंगे, टाइम एंड वर्क के कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टाइम एंड वर्क के, तो सेम इसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लेकर आए हैं। बट ये क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में आई थिंक रिपीटेड है, जो पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी मैंने इसके अंदर डाला है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। यादव जी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू गेट अ वर्क डन इन 50 डेज बाय 50 लेबरर। आफ्टर 40 डेज ही रियलाइज दैट ओनली 50% ऑफ द वर्क इज डन। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क इज कम्प्लीट ऑन टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है कि यादव जी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका कॉन्ट्रैक्ट था कि उसे 50 दिन के अंदर पूरा वर्क कंप्लीट कराना है, और उसके पास जो पर्सन थे वो भी 50 ही थे, ठीक है 50 लोग थे। बट 40 दिन काम कराने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि जो काम जितना भी उसका काम था वो आधा ही हुआ है, 50% हुआ है काम सिर्फ। तो उसे कितने और बंदे अगले 10 दिन के लिए ज़्यादा लेने पड़ेंगे ताकि उसका काम 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 50 लेबरर ने वर्क किया है 40 दिन के लिए, और x प्लस 50 अब हमें चाहिए अगले 10 दिन के लिए। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पर आ गया 200 माइनस 50 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई 150। तो हमें 150 लोग और चाहिए ताकि हमारा काम टाइम पर हो जाए। पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाया था, एक बार जाके उस वीडियो को देखना जरूर, ताकि अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता है तो देख तुम्हें समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाफ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ डी इज हाफ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी। क्या कहना चाह रहा है, ए किसी भी काम को 4 दिन में कर सकता है। फिर इसने बोला है अगली लाइन क्या कहती है कि जो क्षमता है बी की, जो क्षमता है वो ए से आधी है, ठीक है ना। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में आधा काम करेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि ए एक दिन में एक ट्यूबलाइट बनाता है तो बी एक दिन में आधी ट्यूबलाइट बना पाएगा। फिर अगली लाइन क्या कह रही है, द एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाफ ऑफ बी, मतलब जो सी की एफिशिएंसी है, सी की जो क्षमता है वो बी से भी आधी है। फिर उसने बोला है कि जो एफिशिएंसी है डी की वो सी से भी आधी है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि ए एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो उसने बोला है कि जो बी की एफिशिएंसी यानी बी की जो क्षमता है वो ए से आधी है, तो बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। सी की एफिशिएंसी बी से आधी है तो ये सी एक दिन में एक काम करेगा, और डी की जो एफिशिएंसी है वो सी से भी आधी है, तो इसका मतलब डी सिर्फ 0.5 काम करेगा एक दिन में। फिर इसने बोला कि ए एक सारा काम 4 दिन में खत्म कर देता है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, 4 × 4 एक दिन में 4, और 4 दिन में कितना हो गया, 16 काम कर, टोटल वर्क है 16। तो बी 16 काम को कितने दिन में करके देगा, 32 दिन में, सॉरी 32 नहीं, आधा, ए 4 दिन में कर रहा है इस काम को तो बी करेगा 8 दिन में, ठीक है। सी करेगा 16 दिन में और डी करेगा 32 दिन में। एफिशिएंसी और समय का ये सिस्टम रहता है कि जो क्षमता है अगर वो आधी हो रही है तो समय दुगना लगेगा, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पर एफिशिएंसी आधी हुई तो समय दुगना हो गया, देखो 4 से 8 हो गया। यहाँ फिर एफिशिएंसी आधी हुई तो फिर इसका दुगना समय लग गया, यहाँ एफिशिएंसी आधी हुई तो इसका फिर दुगना समय लग गया, ठीक है ना। तो इसने क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द एंड, अब क्या है आगे क्वेश्चन, आफ्टर दे हैड बीन ग्रुप्ड इन 2 पेयर इट इज फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 ग्रुप इज 2/3 द टाइम टेकन बाय द अदर ग्रुप। इसने बोला है जो इन्होंने पेयर बना लिए कि मतलब जैसे ए बी 4 लोग हैं ए बी सी डी, तो दो दो के पेयर बना लिए। अब ये कह रहा है कि जो एक पेयर मिलके काम कर रहा है, ठीक है ना, जितना भी समय ये ले रहे हैं, सपोज करो सी डी ने कुछ समय लिया एक्स, तो ए बी इस एक्स का 2/3 हिस्सा लेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधा जाएंगे ऑप्शंस पे। यहाँ पर ऑप्शंस पे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने थोड़े टिपिकल पड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि क्या रहा होगा कि ए और डी एक पेयर बना होगा और बी और सी एक पेयर बना होगा, ठीक है। ये जब चीजें तुम्हें समझ में कैसे आएंगी, या तो तुम चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखो, या फिर कोई भी गैस ले लो, ठीक है, कोई गैस कर सकते हो, या फिर इन रैंडमली कोई भी पिक कर लो। ज्यादातर कोशिश किया करो कि सेकंड ऑप्शन से शुरू किया करो, तो मैंने भी सेकंड ऑप्शन से शुरू किया है। तो बीसी को मैंने पिक किया कि एक पेयर होगा बीसी का और एक होगा एडी का। तो सपोज करो एडी दोनों अगर साथ मिल जाए तो एक दिन में 4.5 काम करेंगे, ठीक है। बीसी अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। एडी एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं और बीसी कितने कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब टोटल काम कितना है, 16 है, टोटल काम है 16। तो एडी एक दिन में 4.5 काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4.5 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.5 समथिंग, ठीक। एडी अगर मिल जाते हैं तो वो 3.5 दिन में काम कर देंगे। बीसी अगर मिल जाते हैं तो 16 काम कितने दिन में कर देंगे, 16/3 करेंगे तो इसको डिवाइड कर दो, 3×5.5 समथिंग आएगा आंसर, 5.33 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो कोई भी एक ग्रुप, मतलब सपोज करो कि ये वाला जो ग्रुप है, क्या ये इसका जो समय है वो इसका 2/3 जो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो टाइम हमारा आ रहा है कि 3.5 दिन में काम कर देंगे, क्या ये इसका 2/3 हिस्सा है। तो अगर हम 5.33 का 2/3 करते हैं, अगर वो 3.5 आ जाता है तो हमारा ये आंसर है। तो इसे सॉल्व कर लो, तो 5.33 को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.66 से। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अप्रोक्स इसका 2/3 कर देते हैं, अगर इसको 6 ले लेते हैं तो समथिंग हमारा 3.something ही कुछ आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, वैसे ग्रुपिंग के क्वेश्चन एफकेट में मुश्किल है, पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर फिर भी स्टिल आता है तो उसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन के थ्रू में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सबसे एंड के लिए रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो चार ऑप्शन है, चार ये भी हो सकता है कि तुमने जैसे मैंने सबसे पहले बी पिक किया या सी पिक करता मैं तो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर सही नहीं आएगा तो फिर मैं कोई और ऑप्शन पिक करूंगा, जरूरी नहीं यार भाई कि जो सेकंड ऑप्शन हम पिक करेंगे वो सही होगा। तो इन क्वेश्चन को सबसे एंड में रखो, तब हमारा टाइम बचेगा, उसके बाद इन क्वेश्चन को पढ़ना। ऐसा नहीं करना कि मतलब सबसे पहले इसी क्वेश्चन में लग जाओ कि नहीं अभी हमारे पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ऐसा ना हो कि जहां इस क्वेश्चन में 2 मिनट लगने थे तुम 10 मिनट लगा कर आ जाओ, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना है पहले अपना, अगर टाइम बचता है एंड में तो इन क्वेश्चन को जाओ सॉल्व करो, नो डाउट। एफकेट में सब तुम्हें पता ही होगा कि एफकेट में जो क्वेश्चन है वो 100 आएंगे और टाइम हमारे पास सिर्फ 120 मिनट का होता है, ठीक है। इसमें रीजनिंग भी लेंदी होती है, रीजनिंग को सॉल्व करने में टाइम लगता है, और टारगेट हमारा 80 क्वेश्चन का होना चाहिए कि हम 80 क्वेश्चन मिनिमम सही कर ही आएंगे, मैक्सिमम सही कर ही आएंगे, किसी के लिए मिनिमम भी हो सकता है, बच्चे एक इंटेलिजेंट है बहुत आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय कैन वॉश अ ट्रक इन 45 मिनट एंड ही वर्क फॉर 6 आवर अ डे, तो वो 3 दिन में कितने ट्रक धो सकता है। अब 45 मिनट में एक ट्रक धो देता है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1 घंटे होने में 15 मिनट बच जाते हैं, अब वो 6 घंटे एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो यानी 6 बार 45 मिनट लेगा, मान के लेते हैं ये है ही, तो वो एक दिन में कितने ट्रक धोएगा, सबसे पहले तो निकाल लो, यहाँ पे भी 15 बज गए, 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 ठीक है। तो वो एक दिन में टोटल कितने ट्रक धो देगा, तो यहां देखा जाए तो ये टोटल 6 ट्रक तो इसने यहां धो दिए, फिर यहां से देखो कि इन तीनों को मिलाया तो फिर 45 मिनट हो गया, इन तीनों को मिलाया फिर 45 मिनट हो गया, यानी इसने इन 15-15 के हिसाब से भी 2 ट्रक धो दिए, तो टोटल एक दिन में 8 ट्रक धो देगा ये भाई। 45 मिनट तो मुझे मिल ही रहे हैं, 45 मिनट में धोता ही धोता हूं, मेरे हर घंटे में 15 मिनट बच जाएंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, तुम इसको कर सकते थे 6×60 करके,
डिवाइड कर देते 45 से, वो भी तरीका सही था कि 6 घंटे हैं 60 मिनट और डिवाइड कर दे 45 से तो अंत ये आ जाएगा 8, ये भी सही है। ठीक है, 8 आया, अब भी 8 ही आ रहा है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 6-6 45 मिनट तो हो गए, तो 6 टक तो मैंने ऐसे ही धो ही दिए सिंपल। फिर हर घंटे में मेरे 15 मिनट बच रहे हैं, तो टोटल मेरे कितनी बार 15 मिनट बचे, तो टोटल बच गए 90 मिनट। भाई हर एक आर में मैं 15 मिनट बचा जाता हूँ, तो 6 आर में कितने बचा जाऊंगा 90 मिनट। 90 मिनट मतलब हो गए 2 बार 45 मिनट आ गए यहाँ पर, तो 2 और ट्रक धो सकता हूँ मैं 90 मिनट में, तो टोटल 8 ट्रक धो दूंगा। तो अब मैं 3 दिन के अंदर कितने दूंगा, एक दिन में 8 धो रहा हूँ तो 3 दिन में कितने हो गए 24 हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, एन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, एन आदमी किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं, फिर द सेम वर्क काम सेम है, एन प्लस 4 मैन कर दे रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, तो हमें बताना है एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर दो 2 से 4 बार 2 से 3 बार। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू हो गया 3n प्लस 12, तो n की वैल्यू आ गई 12, हमारा ये आंसर हो गया। ए मैन डू हाफ एज मच एज वर्क बी इन वन डे, बी अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश दैट वर्क। अगर ए जो है वो बी के, बी जितना भी काम करता है एक दिन में उसका आधा काम करता है ए, बी किसी भी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो ये उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। सपोज कर लो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, बी दो एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए उसका आधा करता है तो 1 काम करेगा, तो बी 12 दिन में काम फिनिश कर दे रहा है, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, एक दिन में 2 है तो 12 दिन में 24 काम हो गए टोटल। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 24 है, तो एक दिन में 1 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, टोटल वर्क है 24। तो अब ये दोनों एक साथ मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों साथ मिल जाएंगे 3 वर्क कंप्लीट कर देंगे एक दिन में। तो 24 वर्क करने के लिए कितना समय चाहिएगा, 24/3 यानी 8 दिन। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, 40% कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, 40% किसी भी काम को 60 दिन में कर दे रहे हैं। इफ 40% स्टार्ट द वर्क एंड एट द एंड ऑफ एवरी 10 डे 40 मोर पर्सन ऑफ द सेम एफिशिएंसी जॉइन देम, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। भाई 40 मैन मिलके किसी भी काम को 60 डेज में कर दे रहे हैं। ठीक है, इफ 40% स्टार्ट द वर्क, मतलब उन्होंने इन 40 लोगों ने काम शुरू किया और हर 10 दिन बाद, ठीक है ना, हर 10th डे में क्या हो रहा है कि 40 और आदमी आ जा रहे हैं सेम क्षमता पर, उन्हें ज्वाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, देन हाउ लॉन्ग विल टेक इट टू कंप्लीट द वर्क, तो कितना समय लगेगा सारा काम करने में। 40 आदमी, सपोज करो एक आदमी की क्षमता 1 है, एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है, तो 40 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में, 40 काम करेंगे, तो 40 आदमी 60 दिन में कितना काम कर देंगे 2400, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 2400। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि ये 40 आदमी 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन में 400 काम कर दिया होगा। भाई ये 40 आदमी ने 10 दिन काम किया तो 400 काम खत्म हो गया, हमारा काम बचा 2000। अब तो जैसे ही ये 10 दिन काम होता है तो इन्हें 40 आदमी और जोड़ लेते, मतलब इनके साथ में 40 होते हैं, अब टोटल आदमी हो चुके हैं 80। फिर इन्होंने 10 दिन काम किया होगा तो अब काम कर देंगे 800, तो अब कितना काम बच गया 1200 बच गया। फिर इन्हें 40 आदमी ने जोड़ लिया तो ये हो गया 120 हो गए। अब ये 120 बंदे 10 दिन काम करेंगे तो काम कर देंगे 1200, और टोटल काम कितना बचा था 1200, तो काम हो गया अब 0, तो काम हमारा फिनिश। तो टोटल कितने दिन लगे, 10 दिन यहाँ लगे, 10 यहाँ लगे और 10 यहाँ लगे, तो टोटल लगे 30 दिन। 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। भाई 40 आदमी, हमने माना कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम करेंगे, टोटल उन्होंने साथ वो उस काम को 60 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब 2400 काम रहा होगा। भाई एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम करेंगे, 60 दिन में 2400 काम हो गया। ठीक है, 2400 वर्क फिनिश हो गया। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं
कि हर 10th 10 दिन के बाद, 10 दिन खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, 40 आदमी और आ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले 40 आदमी ने जब 10 दिन काम किया होगा तो वो 400 काम कर दिया होगा, तो जो हमारा 2400 काम था 10 दिन बाद वो कितना बचा, 2000 बचा है। फिर 40 आदमी और आ गए तो अब हमारे टोटल आदमी हो गए 80, इन्होंने 10 दिन में कितना काम कर दिया, 800, ठीक है। फिर हमने 2000 में 800 माइनस किया तो 1200 काम बचा, फिर 40 आदमी और ऐड हो गए तो 120 आदमी हो गए। तो ये 120 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे, 1200, तो अब 1200 काम था, 1200 आदमी ने, 120 आदमी ने 10 दिन में 1200 काम खत्म कर दिया, तो टोटल हमारा टाइम कितना लगा, 30 दिन का, और 30 हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टीम हैज अ फूड स्टॉक फॉर एन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। After 20 days, 1/4 of the team quits and the food lasted for another n number of days for the remaining person in the team. What is the value of n? हमें यहाँ बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। क्या बोल रहा है कि एक टीम है कोई, उनके पास खाना है, वो n नंबर ऑफ डेज तक चल सकता है, हमें नहीं पता कितने दिन तक चल सकता है वो खाना। 20 दिन खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो उस टीम में जितने भी मेंबर थे उसके एक चौथाई आदमी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, एक चौथाई आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो जो खाना था 20 दिन बाद जो खाना बचा वो एन नंबर और चल सकता है अब, ठीक है ना। उस उन आदमी को छोड़ने की वजह से जो खाना अब एन माइनस 20 दिन में खत्म होना हो जाना चाहिए था वो एन दिन और चल सकता है। तो हमें ये बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं कि इस टीम में चार लोग हैं, ठीक है, इस टीम में चार लोग हैं। देखो मैंने चार क्यों माना है, चार मैंने इसकी वजह से माना है क्योंकि एक चौथाई लोग छोड़ेंगे, तो चार को जब मैं इस फोर को 1/4 से डिवाइड करूंगा तो आसानी रहेगी, इसलिए। तो मान लो टीम में चार ही लोग हैं, अब चार लोग हैं तो फूड का स्टॉक कितना होगा, ठीक है, फूड का स्टॉक होगा 4n, ठीक है। 20 दिन के बाद जब एक चौथाई लोगों ने छोड़ दिया तो अब बचे तीन लोग, कितने लोग बचे, तीन लोग बचे हैं। अब इन तीन लोग पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई एक चौथाई लोग छोड़ गए, 1/4 लोग छोड़ गए ना, अब एक चौथाई जब लोग छोड़ गए तो अब हमारे पास बचे तीन। अब इन तीन में क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने हमारा जो मतलब सॉरी जो फूड है वो एन और दिन चल सकता है। अब सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि जो चार लोग थे इन्होंने 20 दिन खाना खाया होगा, इन्होंने बोला ना आफ्टर 20 दिन, तो इन चार लोगों ने 20 दिन में 80 खाना खा लिया होगा, ठीक है ना भाई, इन चार लोगों ने क्या किया होगा, 80 खाना खा लिया होगा। तो अब हमारे पास खाना कितना बचा है, तीन तीन आदमियों के लिए 4n-80, बट टोटल खाना कितना था, 4n था, अब 4n-80 खाना बचा है हमारे पास। अब जब एक चौथाई लोग छोड़ के चले गए तो हमारे पास लोग कितने बचे, तीन, तीन लोग बचे, और इसने फिर बोला कि जब ये तीन लोग बचेंगे तो ये खाना फिर n दिन के लिए चल सकता है, तो यानी 3n के लिए, तो 3n की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 4n-80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4n-3n = 80, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 80, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेजेस ऑफ 10 मैन 8 बॉय अमाउंट टू 37, 10 मैन 8 बॉयज का जो वेज है वो 37 रुपए है, इफ 4 मैन टुगेदर रिसीव रुपी 1 मोर देन 6 बॉय। अच्छा, चार मैन अगर की बात करें तो वो 6 लड़कों से 1 रुपए ज्यादा कमाते हैं, व्हाट आर द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड अ बॉय। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को सबसे आसानी रहेगी ऑप्शन से सॉल्व करने की, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 और 4 हम डायरेक्ट काट सकते हैं। रीजन क्या है, इसने बोला कि एक आदमी और एक लड़के का वेज बताना है तुम्हें, ठीक है। अब यहां देखो, इन्होंने एक लड़के का वेज यहां 4 रुपए दे रखा है और यहां 5 रुपए दे रखा है, जबकि ये बात कर रहे हैं कि चार आदमी 1 रुपया ज्यादा कमाते हैं 6 लड़कों से, तो जब 4 आदमी ज्यादा कमा रहे हैं तो उनका एक दिन का वेज भी ज्यादा होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है इस ऑप्शन में,
तो कम दे रखा है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि फोर मैन एक रुपया ज्यादा कमाते हैं। एक रुपये ज्यादा होने का मतलब है करीब करीब 0.25 के अराउंड 25 पैसा ज्यादा कमाना, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में देखो तो डायरेक्ट मतलब डी ऑप्शन में कि ये कोई सिमिलैरिटी बैठती नहीं है, स्टिल हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पर मान लो कि एक आदमी 6 रुपए कमाता है और एक लड़का 5 रुपए कमाता है। तो एक आदमी 6 रुपए कमा रहा है तो 10 आदमी, यहाँ पे बोला है 10 आदमी और 8 लड़कों का वेज 37 रुपए है, ठीक है। तो एक आदमी जब 6 रुपए कमा रहा है तो 10 आदमी 60 रुपए कमा गया, पर यहाँ तो दोनों का मिला के 37 रुपए हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर बी ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे एक आदमी 11 रुपए कमा रहा है, 10 आदमी कितने कमाएंगे, 110 कमा लेंगे, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं बनता। अब ये बचा ऑप्शन, इसको आंसर लगा दो या सॉल्व कर लो। एक आदमी कमा रहा है 2.5 रुपए और एक लड़का कमा रहा है 1.5 रुपए, तो 10 आदमी कितना कमाएंगे 25 रुपए और 8 लड़के कितना कमाएंगे 1.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तो हो गया और 4 और हो गया 12 कमाएंगे, ऐड कर दो दोनों का कितना बैठेगा 37 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत,